दोस्तों आज मैं आपको वेट कम करने के कुछ हेल्दी टेस्टी वेजी सैंडविचेस बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। साथ में हम वेट लॉस भी करेंगे टेस्टी खाने के साथ। तो बनाते हैं हेल्दी वेजी सैंडविचेस। वेजी सैंडविचेस बनाने के लिए मुझे चाहिए टमाटर के स्लाइसेस, आप देख सकते हैं इस तरीके से, एक स्लाइस बड़ा पनीर का और कुछ शिमला मिर्च। मैंने यहाँ कलरफुल शिमला मिर्च ली है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खाली ग्रीन शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। खीरा सर्कल में कटा हुआ और मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका स्प्राउट्स, ये मूंग दाल स्प्राउट्स हैं जिनको मैंने रात को भिगो के रखा था और सुबह कपड़े में बांध कर टांग दिया था जिससे इसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं। और ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, ये बहुत वेट लॉस कम करने में काम आती है। साथ ही मैंने लिया है मिंट की चटनी। सबसे पहले मैं ब्रेड पे अप्लाई करूंगी मिंट चटनी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और मिंट आपको पता ही है रिफ्रेशिंग है और बहुत हेल्दी भी होती है। इसको हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। हमने दूसरी पे स्प्राउट्स लगा लिए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, स्प्रिंकल कर देंगे इसे अच्छे से जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अप्लाई करेंगे हम इसे खीरा। अब लगाएंगे हम इसमें शिमला मिर्च, रेड पनीर, इस तरीके से देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसको अच्छे से बंद कर देंगे और प्रेस कर देंगे और इसको हम ग्रिल करेंगे। अब 2 मिनट वेट करते हैं, सैंडविच इज रेडी। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। वाओ कितना देखने में यम्मी लग रहा है हमारा सैंडविच, और हेल्दी और यम्मी। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए हमारा सैंडविच बनकर रेडी है। अब हम दूसरा सैंडविच बनाते हैं। तो दूसरे सैंडविच के लिए हमें चाहिए कसी हुई गाजर, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक चॉप किया हुआ पत्ता गोभी और मैंने यहाँ बारीक चॉप की हुई है शिमला मिर्च। ये मैंने 3 कलर की शिमला मिर्च ली है, आप किसी भी कलर की ले सकते हैं। और बारीक कटी हुई ककड़ी, साथ में दही जो मेयोनीज का काम करेगा, जो वेट लॉस करने में बहुत ही हेल्दी होता है। और हमने लिया है यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड, ये भी वेट लॉस करने में हमारी हेल्प करती है क्योंकि इसमें 65 कैलोरीज होते हैं जो की सारी ब्रेड से कम होते हैं, ये ब्राउन ब्रेड से भी हेल्दी होती है। मैंने यहाँ खाली बाउल लिया है, इसमें डालेंगे हम अपनी वेजीज जो हमने कट करके रखी है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे दही, मैंने एक छोटी कटोरी चम्मच दही लिया है और डालेंगे इसमें एक चुटकी चाट मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी वेजीज अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे। अब इसको बंद कर देंगे और इसको भी ग्रिल करेंगे, आप चाहे तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। 2 मिनट वेट करेंगे, देखिए सैंडविच बनकर रेडी हो गया है, डन। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा सैंडविच बनकर रेडी हो गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों लो कैलोरी सैंडविच बनकर रेडी है, आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में किसी भी टाइम खा सकते हैं जब आपको भूख लगी हो। ये सैंडविच खाने में तो टेस्टी है ही है और ये वेट लॉस भी करते हैं साथ ही साथ आपका। ये सैंडविच
फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। आप इसे खाइए और एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।